क्योंकि बाकी बड़ी मिलन है तो मैं मुख्तसर वक्त के लिए ना तो मैं जाऊंगा कि सुनने को बड़ा जी चाहते हैं सब कुछ सुनाया जाए। तो जावेद आदि साहब से बोलते हैं फोन श्रीमती श्री लाए और अपने ख्याल के आधार करें खड़कोट से जावेद आदर्श आवाज। نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں سردار گلوان صاحب اور ان کے ساتھ عمران دلزاد صاحب سردار بارسی صاحب اور دیگر سٹیج پر تشریف فرما تمام حضرات کو داتا کی نگری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انداز میاں بات بدل دیتا ہے شہر پر دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں باتیں تو بہت ہوئی ہیں और सब कोई अंदाज चेंज करके सब लोग बातें कर रहे हैं। मैं भी कुछ बातें करना चाहता था सरदार भाई के हवाले से लेकिन स्टेज शक्ति साहब ने पाबंदी लगा दी है टाइम की। वो बकौल शाह में यही कहूँगा कि जो नकाबिरों कटा दी तो ये कैद भी बढ़ा दी उठे यार नकाल लेकिन कोई जाम तक न पहुंचे। दोस्तों सबसे गुजारिश यही है बस शॉर्टकट यही कहना चाहता हूँ कि जैसे सरदार भाई ने पाया कि जनाब सबसे पहले तो अपने वोट अपने कुर्बान में देखें अपने वोट ट्रांसफर करवाएं और फिर हर बंदा सरदार गुलवान बन के इस कंपेन को चलाए। अल्लाह ताला ने हमारी मरूमियों के अजाले के लिए सरदार गुलवान को हमारे पास भेजा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पी के 40 की जो मरूमियाँ हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। क्योंकि का प्रस्ताव आज आज के दौर में ये मौजूदा जो दौर चल रहा है इसमें खान के वीएन को सपोर्ट करना इंतहाई आसान है और फिर शहजाद गुल जैसा उम्मीदवार इंतहाई नेक सीरत और खान का जादू इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है। इंशाल्लाह हमें कायल करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। हर आदमी शहजाद गुलवान बन के कोशिश करे और इंशाल्लाह ये कोशिश सिर्फ बातों से ही नहीं होनी चाहिए अमलन इसका इजहार होना चाहिए। ये बोर्ड एक को ट्रांसफर करवाने फिर बोर्ड के दौरान इलेक्शन के डे वाले दिन वहाँ ड्यूटी करनी है वहाँ वोट पोल कराना है खाली नारों से ही ना रहें मुतमैन रहें। सब दोस्तों से गुजारिश है कि इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करें कि ताकि हर बंदा शहजाद गुलवान बन के इस कंपेन को चलाए और इंशाल्लाह हम आपको इंशाल्लाह जीत की मसनद पर देखने के ख्वाहिशमंद हैं और इंशाल्लाह आपको कामयाब करेगा आपकी प्रोजेक्ट। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा बहुत शुक्रिया जावेद भाई।